हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो आपसे पूछा जाता है रीजनिंग में रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों कूट लेखन कूट भाषा वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसता है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए फिर नहीं फंसेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यदि किसी कूट में ए बी सी को बी डी एफ लिखा जाता है डी एफ e, को कैसे लिखा जाएगा देखिए किसी कूट में कोई भी भाषा में ए बी और सी को क्या लिखा गया है बी डी एफ क्या लिखा गया है बी डी और एफ लिखा गया क्लियर है तो देखिए ए को क्या लिखा गया है बी तो ए के बाद दोस्तों बी आता है बीच में कोई भी गैप नहीं दिया गया है बी के बाद दोस्तों क्या आता है बी के बाद सी आता है और सी के बाद क्या आता है डी तो इसमें बीच में एक संख्या का अंतर है ठीक है सी के बाद दोस्तों आप चलेंगे क्या आता है सी के बाद दोस्तों डी आता है और डी के बाद फिर ई e आता है ई e के बाद एफ आता है तो यहां पर कोई भी गैप नहीं था यहां पर एक संख्या का गैप है यहां पर दो संख्या का गैप है इस तरह से कूट लेखन में भाषाएं सेट की जाती हैं यही आपसे पूछी जाती है क्लियर है आपसे पूछ रहा है कि डी ई एफ को कैसे लिखा जाएगा किसको दोस्तों डी e और एफ के बारे में पूछ रहा है इनको कैसे लिखा जाएगा तो देखिए पहली संख्या को लिखा गया था उसके अगली वाली संख्या कोई गैप नहीं था तो डी के हम अगली वाली संख्या लिखेंगे क्या आता है डी के अगली वाली संख्या ई e आती है ई e तो आती है अब यहां पर चेक कीजिए किस ऑप्शन में सबसे पहले ई e है एक ही ऑप्शन है बी में तो बी आंसर सही हो जाएगा लेकिन हम सभी को चेक करेंगे दोस्तों ठीक है यहां पर देखिए ई e है ई e के बाद दोस्तों क्या आएगा यहां पर दूसरी संख्या में क्या था एक संख्या का गैप था बीच में बी के बाद सी आया था लेकिन डी गया था तो सी नहीं दिया गया तो सी का गैप था ई ई के के बाद क्या e के बाद क्या आता आता है है दोस्तों एफ ठीक एक संख्या का गैप दे देंगे एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों जी आ जाएगा यहां बी के अगली संख्या का गैप था तो यहां हमने ई के अगली संख्या का गैप कर दिया जी आ गया एफ के बाद दोस्तों क्या लिखा जाएगा यहां पर देखिए सी के बाद दो संख्या तब संख्या आई थी

टेम्पल को इतना कोडित किया गया है तो सिंह का कोड क्या होगा देखिए टेम्पल को इन नंबरों से कोडित किया जाता है तो सिंह को किन नंबरों से कोडित किया जाएगा यह कहने का मतलब है तो लिखते हैं दोस्तों यहां पर टेम्पल को क्या लिखा गया सबसे पहले टेम्पल का चेक करते हैं टेम्पल ठीक है टेम्पल टेम्पल को किससे कोडित किया गया है इस से ठीक है मतलब यू यू के बाद एफ एफ के बाद एन फिर Q है फिर M है फिर क्या है दोस्तों आपका F है ठीक है अब देखिए T के बाद दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पर U दिया गया तो T के बाद U ही तो आता है बीच में कोई गैप नहीं दिया गया E के बाद दोस्तों F आता है यहाँ भी कोई गैप नहीं है M के बाद N आता है यहाँ भी कोई गैप नहीं है P के बाद Q आता है यहाँ भी कोई गैप नहीं है L के बाद M आता है यहाँ भी कोई गैप नहीं है और ई के बाद एफ आता है यहां भी कोई गैप नहीं दिया गया है हो क्या रहा है जो संख्या दी गई है उन्हीं के जस्ट अगली वाली संख्याओं में कोडित किया गया है उसी तरीके से आप इसको कोडित कर दीजिए सिंह को ठीक है तो इसके अगली संख्या क्या होगी एस के बाद में अगली संख्या टी आ जाएगी के लिए दोस्तों आई के बाद में अगली संख्या दोस्तों क्या आ जाएगी जी आ जाएगी एन के बाद में अगली संख्या दोस्तों क्या आ जाएगी एन के बाद में ओ आ जाएगी और जी के बाद में उसकी अगली संख्या क्या आ जाएगी एच आ जाएगी क्लियर है तो टी जे ओ एच यहां लिख देता हूं मैं टी जे ओ एच जिस ऑप्शन में होगा वही तो सही आंसर होगा किस ऑप्शन में टी जे ओ एच टी जे ओ एच नहीं है टी जे ओ एच सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा क्लियर है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी यहां पर दोस्तों एक श्रृंखला दी गई है पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी तो तीन के बाद दोस्तों क्या आया है पाँच आया है पाँच के बाद नौ है नौ के बाद सत्रह है और सत्रह के बाद दोस्तों यहां पर क्या आएगा ये पूछ रहा है ठीक है देखिए नौ से पाँच हुआ तो तीन में आपसे कितना जोड़ा होगा दो जोड़ेंगे तीन में दो जोड़ेंगे तो पाँच मिलेगा पाँच में अगर आप चार जोड़ेंगे तो नौ मिलेगा ठीक है दोस्तों इतनी बात और नौ में आप आठ जोड़ेंगे तो सत्रह मिलेगा तो सत्रह में कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये वाली संख्या मिलेगी ठीक है दोस्तों समझ में आ रही है बात तीन में दो जोड़ेंगे तो पाँच पांच में चार जोड़ेंगे तो नौ नौ में आठ जोड़ेंगे सत्रह तो सत्रह में कितना जोड़ना पड़ेगा अब आप यहां पर देखिए यहां पर कितना जोड़ा गया था दो दो से चार चार से कितना हो रहा है आठ तो आठ से कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा यहाँ का दो का डबल चार चार का डबल आठ तो आठ का डबल कितना जोड़ेंगे दोस्तों सोलह नहीं जोड़ेंगे तो सत्रह में सोलह जोड़ दीजिए बस ये वाली संख्या मिल जाएगी आपको क्लियर है सात और छह कितना होता है सात और छह का तीन कैरी का वन एक और एक दो कैरी का वन कितना हो जाएगा? तीन, तो कितना आ जाएगा तेतीस सत्रह को सोलह को जोड़ेंगे तो यह वाली संख्या मिलेगी तो तेतीस मिलेगी किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में दे रखा है तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्लियर हुई बात अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी देखिए दोस्तों यहां पर एक श्रृंखला दी गई है और पूछ रहा है अगली संख्या यहां पर क्या होगी तीन से हो रहा है छ से अठारह अठारह से बहत्तर बहत्तर से तीन सौ साठ तो तीन सौ साठ के बाद में यहां पर क्या आएगा देखिए दोस्तों आपका तीन से हुआ छ तीन से छ कैसे हो सकता है जब आप उसमें तीन जोड़ देंगे तो छह और छह से अठारह कैसे हो सकता है अगर तीन जोड़ेंगे तो नहीं यहां तीन जोड़ने से छह हो रहा है लेकिन यहां तीन जोड़ेंगे तो नौ होगा तो यहाँ पर तो अठारह हो रहा तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है तीन का मल्टीप्लाई अगर दो से करेंगे तब भी छह मिलेगा और यहाँ पर छ का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे तीन से करेंगे तो आपको अठारह मिलेगा ठीक है अट्ठारह चौक बहत्तर होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है चार से हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई दो से यहाँ तीन से यहाँ चार से तो यहाँ कितना होगा दोस्तों पाँच से होगा करके देख लीजिए दो पंजे दस का जीरो कैरी का बन ठीक है और सात पच्चे पैंतीस और कैरी का बन कितना हो गया छत्तीस बहत्तर तो पंजे कितना होता है तीन सौ साठ मल्टीप्लाई पांच से हुआ तो अब मल्टीप्लाई कितने से, से समझ में बात? दो से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो है तो जीरो ही आ जाएगा छत्तीस का छात्र छिया अठारह का तीन कितना हो जाएगा इक्कीस तो इक्कीस सौ साठ हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर इक्कीस सौ साठ पहले ऑप्शन में दे रखा है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्लियर हुई बात अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी देखिए दोस्तों यहां पर एक श्रृंखला दी गई है इसमें अगली संख्या पूछ रहा है क्या होगी यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अच्छे समझिए देखिए यहां पर क्या दिया गया दोस्तों छह दिया गया है छे को आप कैसे लिख सकते हैं अगर आप दो का स्क्वायर करें और इसमें प्लस दो कर दें तो आपको छ मिलेगा दो का स्क्वायर चार चार में दो जोड़ेंगे छे ग्यारह को आप दोस्तों कैसे लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर प्लस दो तीन का स्क्वायर नौ नौ में दो जोड़ेंगे ग्यारह सत्ताईस को आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों पाँच का स्क्वायर प्लस दो पाँच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस में दो जोड़ेंगे सत्ताईस होता है इक्यावन में दोस्तों आप कैसे लिख सकते हैं सात का स्क्वायर सात के स्क्वायर के बाद प्लस दो सात का स्क्वायर उनचास दो जोड़ेंगे इक्यावन एक सौ तेईस को आप कैसे लिख सकते हैं ग्यारह का स्क्वायर प्लस दो ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस

फिर ग्यारह से हो गया फिर तेरह से हो गया यहाँ पर यहां पर कितने से होगा तो एक चीज आपको समझ ही में आ गई होगी दो के बाद तीन का स्क्वायर किया है तीन के बाद पांच का पांच के बाद सात का सात के बाद ग्यारह का ग्यारह के बाद तेरह का मतलब ये सभी संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्या ठीक है अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से कटती हो और एक से कटती हो और किसी भी संख्या से नहीं कटती हो ठीक है तो तेरह के बाद में अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी आती है सत्रह आती है ठीक है तो सत्रह का स्क्वायर प्लस दो करेंगे का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है टू एटी नाइन और उसमें जोड़ देंगे दो तो कितना टू नाइनटी वन हो जाएगा टू नाइनटी वन दोस्तों किस ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्लियर हुई बात उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी यहां पर एक श्रृंखला दी गई है पूछ रहा है अगली संख्या क्या होगी देखिए दोस्तों एक दिया गया है चार है नौ है सोलह है पच्चीस है यहां क्या है चार नौ सोलह पच्चीस को आप देखेंगे तो सभी संख्याएं किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होती हैं तो एक का दो तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों एक ही रहेगा मतलब यहां पर क्या दे रखा है एक का स्क्वायर चार दे रखा है ये क्या होता है दो का स्क्वायर नौ दे रखा है मतलब तीन का स्क्वायर सोलह दे रखा है मतलब चार का स्क्वायर पच्चीस दे रखा है मतलब पांच का स्क्वायर तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों छह का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा एक का स्क्वायर दो का तीन का चार का पांच का तो छ का आएगा तो छ का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों छत्तीस होता है छत्तीस हो गया बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्लियर है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें यहां पर आपको एक श्रृंखला दी गई है इसमें पूछ रहा है कि गलत संख्या आपकी कौन सी होगी क्लियर दोस्तों यही तो पूछ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों देखिए यहां पर 69 है अगर मैं दोस्तों 69 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं मतलब 6 का और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे छवन मिलेगा और चौवन में अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या मिलेगा पचपन मिलेगा तो मतलब अगली संख्या मुझे मिल जाएगी क्लियर है इस संख्या का मल्टीप्लाई किया उसमें एक जोड़ दिया अगली संख्या मिल गई तो अब क्या करेंगे पचपन का मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में पांच गुड़े पांच कितना होता है पच्चीस यहां एक जोड़ा था यहां भी एक जोड़ दो कितना मिल जाएगा छब्बीस जब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा था अगली मिल गई इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा है तो उसके अगली मिल गई क्लियर है अब छब्बीस का मल्टीप्लाई कर दो आपस में टू मल्टीप्लाई वाई से कितना हो जाएगा बारह सब में एक जोड़ रहे हैं तो यहां भी एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तेरह मतलब अगली संख्या हमको मिल गई अब इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो अगली मिलनी चाहिए मतलब एक मल्टीप्लाई में तीन करूंगा तो कितना हो जाएगा चार क्लियर है एक मल्टीप्लाई तीन तो तीन एकम तीन हो जाएगा दोस्तों चार नहीं तीन होगा ठीक है सभी में एक एक जोड़ रहे हैं तो यहां भी एक जोड़ देंगे कितना मिलेगा चार लेकिन यहां तो दे रखा है पांच आना चाहिए चार तो गलत संख्या पूछ रहा था तो पांच हो जाएगी आपकी गलत संख्या पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर मैं उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेलाइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद